साक्षात्कार। संसार के सारे दुखों को नष्ट करने के निश्चय से सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपना राजवेश, अलंकार, यहाँ तक कि अपने बाल भी निकाल दिए और एक सन्यासी के वेश में वो जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो कई सन्यासियों से मिला। दिन ऐसे ही गुजरते गए। सिद्धार्थ अब मगध राज्य के जंगल में पहुंचा। वहां वो एक सन्यासी आरदा से मिला और उनका शिष्य बन गया। कुछ दिनों बाद, आज तक मैंने जो भी शिक्षा हासिल की है वो संसार के दुखों का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। अब मुझे मेरा रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। सिद्धार्थ अब गया नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसने बहुत कठोर तपश्चर्या की। छह साल बिना कुछ खाए और बिना सोए उसने तप किया। सिद्धार्थ तप की वजह से सिर्फ एक अस्थि पंजर बनकर रह गया था। उस समय सुजाता नामक एक औरत ने, जो एक गड़ियारे की पत्नी थी, उसे भोजन लाकर दिया। शायद मैंने भूल की है। इन छह सालों में मैंने इतना कठोर आचरण करना अनुचित था। माते, मैं आपका आभारी हूँ। आपके दिए हुए इस भोजन से मुझे शक्ति प्राप्त हुई है। अब इसी शक्ति के साथ मैं अपनी खोज जारी रखूंगा। मन में दृढ़ विश्वास करके एक बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अपनी ध्यान धारणा शुरू की। मरा नामक एक दुष्ट शक्ति, जो लोगों का मन विचलित करती है, वहां पधारी। अगर उसने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ भी करके मुझे उसका ध्यान भंग करना होगा। मरा ने सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने के लिए बहुत यत्न किया, लेकिन वो नाकाम रहा। सिद्धार्थ पर उसने तीर छोड़े, लेकिन वे कमल पुष्प बनकर सिद्धार्थ के पैरों पर गिर गए। इसलिए, सिद्धार्थ, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारा जन्म इस संसार पर राज करने के लिए हुआ है। तुम अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? अपना राज जीवन क्यों त्याग रहे हो? सिद्धार्थ ने मरा को कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे अपने मौन से ही जीत लिया और उसने अपना ध्यान जारी रखा। अंत में सिद्धार्थ ने अपना उद्दिष्ट पा लिया। उसने अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लिया। उसे सत्य का ज्ञान हुआ। उसने जान लिया कि अभिलाषा और वासना ही सारे दुखों का कारण है। इस प्रकार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गया। सभी दुखों का अंत करने के लिए उसने मध्यम मार्ग चुना। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सभी तरफ उसने शांति महसूस की। उसने अपने ज्ञान की शिक्षा संसार के लोगों को देने का निश्चय किया। इसीलिए वो बनारस पहुंचा। वहां पर उसने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उसके बाद वो अन्य कई जगहों पर गया और सारे संसार में उसके उपदेश फैलने लगे। असंख्य लोग उसके उपदेशों के भक्त बन गए। एक दिन भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। हे, रुको! सुनो बेटा, शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और तुम्हारा अंगूठा काट कर गले में पहनूंगा। बेटा, तुम सभी लोगों के प्रति प्रेम पूर्ण आचरण क्यों नहीं रखते? बुद्ध ने उसे उपदेश करना शुरू किया और अंगुलीमाल ने उस उपदेशों द्वारा अंतिम सत्य जान लिया। अंगुलीमाल उनके चरणों पर गिर गया और उनकी पूजा करने लगा। बुद्ध के उपदेशों से छोटे बड़े, राजा तथा सामान्य प्रजा सभी प्रभावित हो गए। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान और चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा।